अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग जो है वो ऑर्थो के अंदर लास्ट चैप्टर पढ़े हैं, दैट इज़ डीजेनरेटिव डिजीजेज ऑफ द बोन। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नंबर वन इज़ ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड नंबर टू इज़ रूमेटाइड आर्थराइटिस। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है इनके डिफरेंस आने चाहिए, मैं साथ साथ भी बताऊंगी, एंड पे भी रिवाइज करेंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस से। सो ऑस्टियो आर्थराइटिस बेसिकली डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज़ है, ठीक है। ये एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें आपके जो ज्वाइंट्स हैं वो क्या हो जाए होते हैं, जनरेट होते हैं। सो इट इज़ अ डी जनरेटिव ज्वाइंट डिजीज़। अब इसके अंदर बहुत सारी मैकेनिकल एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग यानी कि जो आपकी आर्टिक्यूलर कार्टिलेज है उसके अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी हो सकती है, या फिर जो सब कॉन्डल बोन्स हैं वो भी एबनॉर्मल हो सकती हैं, जो मिलके क्या करेंगी, ज्वाइंट की डी जनरेशन कॉज करेंगी। एग्जैक्ट कॉज की हम बात करें तो वो कहता है कि मोस्टली जो आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, ये इडियोपैथिक है। एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता कि क्यों ज्वाइंट डी जनरेट होना शुरू हो गए, लेकिन सम टाइम ये सेकेंडरली टू सम फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल बोन का फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर के बाद वहाँ पे ये डीजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें स्ट्रेस की वजह से या ओवर यूज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक बात है कि किन जॉइंट्स को ये इन्वॉल्व करते हैं, कुछ लोगों के अंदर आपने याद रखना है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है, ये फैमिलीज़ में भी रन करता है। अब अगर हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो किन जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, तो वैसे तो ये किसी भी जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है, शोल्डर को, एल्बो को, रिस्ट को, हैंड को, लेकिन प्रीडोमिनेंटली बेटे आपने याद रखना है कि जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उनको ये ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है। और वेट बेयरिंग जॉइंट्स के अंदर क्या आ जाता है, नंबर वन नी जॉइंट आ जाता है और नंबर टू हिप जॉइंट, ठीक है। सो मोस्टली इनको इन्वॉल्व करता है, लेकिन इसके अलावा शोल्डर है, एल्बो है, रिस्ट है, किसी भी जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है। अब अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत हेल्प करते हैं इसको और रूमेटाइड आर्थराइटिस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब बोन्स के अंदर डीजेनरेटिव डिजीज चल रहा है तो पेन तो होगा, लेकिन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये पेन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है आफ्टर फंक्शन या आफ्टर मूवमेंट, ठीक है। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब मैं सुबह उठता हूँ तब तो इतना नहीं होता, लेकिन जब मैं दिन में जैसे जैसे काम करता हूँ तो पेन की नोयत बढ़ती जाती है, जबकि रूमेटाइड में बिल्कुल उल्टा होता है, उनकी सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो काम करते हैं, हाथ खुलता है, उनका पेन कम हो जाता है। तो ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों को डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। उसके बाद पेन के अलावा अगर हम देखेंगे तो जो भी इन्वॉल्व ज्वाइंट है उसके इर्द गिर्द क्या मिलेगी, स्वेलिंग मिलती है। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि उन ज्वाइंट्स में क्रैकलिंग आवाज़ आ रही होती है और हमेशा एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे नहीं है कि एक हाथ का रिस्ट ज्वाइंट इफेक्टेड है तो दूसरे का भी होगा, नहीं, एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है। और अगेन ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है क्योंकि रूमेटाइड में क्या हो रहा होता है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है जॉइंट की, ठीक है। और कुछ लेवल पे अगर हम देखेंगे तो जॉइंट इफ्यूजन भी हमें मिलेगी। सो क्या है, पेन है, स्वेलिंग है, क्रैकलिंग साउंड है, एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट विद इफ्यूजन है, ठीक है। अब इसकी डायग्नोसिस के लिए हम एक्सरे ही करते हैं और एक्सरे के ऊपर जो करेक्टरिस्टिक फीचर हमें मिलता है, एक्सरे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, याद रखना है उसको बेटे आप LOS लॉस से याद रखें। लॉस से ही आपने याद रखना है कि नंबर वन क्या होता है, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, यानी जॉइंट के बीच में जो स्पेस होती है वो बिल्कुल लॉस हुई हुई होती है एक्सरे में, वो नीचे उन्होंने आपकी बुक में दिखाई हुई भी है, मैं भी एंड पे दिखा दूंगी। नंबर टू आपने O से याद रखना है कि हमें वहाँ पे क्या मिलते हैं, ऑस्टियोफाइट्स मिलते हैं, ये ऑस्टियोफाइट रूमेटाइड में नहीं मिलते। और तीसरी बात हम याद रखेंगे कि सबकॉन्ड्रल सिस्ट फॉर्मेशन होती है, सबकॉन्ड्रल फॉर्मेशन होती है, यानी बोन के साथ ना बिल्कुल यहाँ पे एक सिस्ट सी बनी हुई होती है, ठीक है, वो भी एक्सरे पे हमें नजर आ रही होती है, सही है। जो सिस्ट फॉर्मेशन होती है, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, जॉइंट सरफेसेस लॉस हुई हुई होती हैं। अगेन आप कहेंगे मैम रिलेट करती रहती हैं, लेकिन बेटे इसको भी बहुत डिटेल में आपने मजीद डिटेल इसकी जो भी रिक्वायर्ड है वो रूमेटोलॉजी में पढ़नी है, यहाँ जरूरत नहीं है। अब हम उस पेशेंट को जब ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आता है, ठीक है। सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हम दो चीज़ें उसको बताते हैं, नंबर वन ये कि उसने वेट रिडक्शन करनी है, जाहिर है वो अपना वजन कम करे, और ज़्यादातर वेट बेयरिंग जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनके ऊपर कम से कम स्ट्रेस पड़े, ठीक है। और नंबर टू अगर तो वो डायबिटिक हुआ तो फिर हम उसको ये भी कहते हैं कि वो अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल हासिल करे, अगर मोटा है तो वेट कम करे, डायबिटिक है तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल मेंटेन करे। नंबर टू बेटे हम उसको ऑफ लोडिंग का कहते हैं, मतलब हम उसे कहते हैं अगर उसकी नी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है ना तो वो उन पर वजन डाल के ना चले, बल्कि वो वॉकिंग के लिए क्या करे, डिफरेंट तरह की एड्स वगैरह जो हैं उनको, वॉकिंग स्टिक हैं और इन चीज़ों को
यूज़ कर ले, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में बतानी होती है वो ये कि आपने मॉडरेट जो है वो एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज के साथ हम उसको कहते हैं फिजियोथेरेपी का, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ज़ाहिर है हमारा काम ये भी होता है कि हम उसके पेन मैनेजमेंट भी करेंगे। पेन को मैनेज करने के लिए हम उसको स्टार्ट कराते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है एसिटोमिनोफेन, ठीक है, यानी फर्स्ट लाइन जो होती है, ठीक है। सो एसिटोमिनोफेन से हम स्टार्ट करते हैं। एसिटोमिनोफेन से अगर आराम नहीं आ रहा तो फिर हम एनसेड्स देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग टॉपिकल एनसेड्स देते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हमें पड़ता है। टॉपिकल एनसेड्स के साथ बोन एंड कार्टिलेज सिंथेसाइजर भी हम यूज़ करते हैं। अगर फिर भी पेशेंट को पेन है तो फिर बेटे हम जो है वो थर्ड ऑप्शन क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन किस चीज़ का होता है, एक तो उसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी स्टेरॉइड्स होते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो सके, और दूसरा उसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। अब ये हम उसके जॉइंट के अंदर क्या करते हैं, लगा देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड और लोकल एनेस्थेटिक। समटाइम वो कहता है कि कुछ कंपाउंड्स के इंजेक्शन, जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड का इंजेक्शन भी दिया जाता है जो कि जॉइंट की वहाँ पर कार्टिलेज को सप्लीमेंट करता है, नेचुरल हाइलोरोनिक एसिड को, और वो आर्टिक्यूलर कार्टिलेज की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ अर्ली तो काम करती है लेकिन लेटर ऑन स्टेटस पर नहीं करती। अब अगर आपकी ये वाली मैनेजमेंट फेल हो गई है तो नेक्स्ट स्टेप फिर आपके पास क्या होता है, ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है, और ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑस्टियोटमी करते हैं, अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर हम क्या करते हैं, उस जॉइंट की रिप्लेसमेंट कर देते हैं, आर्थोप्लास्टी, हेमी या फुल आर्थोप्लास्टी की जाती है। अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर हम जॉइंट की फ्यूजन कर देते हैं, और फ्यूजन करने को क्या कहते हैं, आर्थ्रोडेसिस, ठीक है। सो ये बेटे आपकी ओवरऑल अप्रोच है टूवर्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने कहा डीजेनरेटिव बोन डिजीज़ है, एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता बट ड्यू टू मल्टीपल सेकेंडरी कॉजेज लाइक फ्रैक्चर या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। मोस्टली वेट बेयरिंग जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, पेन होता है जो काम करने के बाद ज़्यादा होता है, स्वेलिंग, क्रैकलिंग आवाज़ आती है, एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, एक्सरे इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जिस पे लॉस वाला पैटर्न मिलता है, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, ऑस्टियोफाइट्स एंड सब कॉन्डल सिस्ट मिलती है, ठीक है। हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पेन के लिए एसिटोमिनोफेन नहीं तो सिंथेटिक एनसेड्स वगैरह यूज़ करते हैं, टॉपिकल नहीं तो इंजेक्शन देते हैं, इससे भी फर्क ना पड़े तो फिर ऑब्वियसली बात है हमें ऑपरेटिव मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है बेटे। ये बात होगी किसकी, ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अब नंबर टू हमारे पास होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस का तो आपको पता होगा कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में सिमेट्रिकल इन्फ्लेमेटरी पोली आर्थ्रोपैथी है। अब इसमें तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, नंबर वन तो ये कि सिमेट्रिकल, नंबर टू इसकी जो एटियोलॉजी है वो इन्फ्लेमेटरी होती है, ऑटोइम्यूनिटी जो है वो काम कर रही होती है, ठीक है। और पोली आर्थ्रोपैथी का मतलब है वो मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, लेकिन सिमेट्रिकली दोनों हाथों के सेम जॉइंट्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे होते हैं। ना सिर्फ ये होता है बल्कि साथ में बॉडी के अंदर सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस भी आती हैं, और रूमेटाइड का जो इफेक्ट है वो हर ऑर्गन पे आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल स्किन पे आ रहा होता है, हार्ट पे आ रहा होता है, इसके अलावा अगर हम लंग्स की बात करें तो वहाँ पे, आइज़ में, और उसके अलावा नर्व्स वगैरह पे भी, ठीक है, वेसल्स पे भी। डिजीज़ जो है अगर हम सिर्फ जॉइंट्स रिलेटेड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो पेशेंट कहता है जी डॉक्टर साहब सुबह के टाइम जो मेरे जोड़ है ना बहुत ज़्यादा दुखते हैं, बिल्कुल मेरा हाथ बंद होता है, खुलता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि यहाँ पे ना साथ में हैंड डिफॉर्मिटीज़, डिफरेंट तरह की हैंड डिफॉर्मिटी स्टार्ट होती हैं ऐसे करके। वो क्यों स्टार्ट होती हैं वो हम बात करेंगे, बॉन्टेनायर डिफॉर्मिटी या स्वानक डिफॉर्मिटी, जिसके अंदर ये जो इंटरफेरेंजल हैं ये एक्सटेंडेड और लास्ट वाले जो हैं, मतलब ये एक्सटेंडेड होते हैं और आखिरी वाला सिर्फ जो है वो फ्लैक्स होता है, मुझे नहीं करना आता लेकिन दिखाती हूँ, या जेड कलर का थंब भी हो सकता है, ठीक है। सो इसमें आपने याद रखना है, नंबर वन मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, हैंड डिफॉर्मिटीज होती हैं, उसके बाद जो आर्थराइटिस होता है ना वो सिमेट्रिकल आर्थराइटिस है, मतलब उसके जो जॉइंट्स हैं वो इक्वली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि रूमेटिक नोड्यूल्स भी उसके हाथ पे बने हुए हैं। जो कॉमन आपके पास डिफॉर्मिटीज हैं उसमें बॉन्टेनर डिफॉर्मिटी हो सकती है और स्वान एक डिफॉर्मिटी होती है और जेड थंब होता है। अब ये डिफॉर्मिटी होती क्यों है, मतलब इसकी थोड़ी सी अगर आपसे पैथोजेनेसिस पूछ ली जाए कि ठीक है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है तो डिफॉर्मिटी क्यों हो जाती है, तो आपने याद रखना है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही होती है ना तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जॉइंट लेवल पे जो साइनोवियल फ्लूइड है ज़ाहिर है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो साइनोवियम की जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो वहाँ पे क्या बन जाता है,
जाता है, पेनिस बनता है, ठीक है। सो पेनिस फॉर्मेशन होती है और ये जो पेनिस है ये बहुत सारे क्या रिलीज़ करता है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करता है और साइटोकाइन रिलीज़ करता है, और ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम और साइटोकाइंस क्या करते हैं, अंडरलाइंग कार्टिलेज को डीजनरेट कर देते हैं, और जब कार्टिलेज डीजनरेट होती है तो फिर डीफॉर्मिटीज जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। ना सिर्फ ये होता है बल्कि अदर साइनोवियल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी डीजनरेट होते हैं, जैसे कि कौन से साइनोवियल स्ट्रक्चर हैं, टेंडन शीथ है, जब वो इन्फ्लेम होती है तो वो रप्चर करती है, और जब वो रप्चर होती है तो उसकी वजह से भी फिर क्या होती हैं, बहुत सारी डीफॉर्मिटीज एंड डिजेबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत इस लेवल पर नहीं है। अब इसकी अगर हम लोगों ने डायग्नोसिस करनी हो तो डायग्नोसिस के लिए हम पेशेंट का आर ए फैक्टर कराते हैं, र्यूमेटाइड जो है उसकी वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए, लेकिन ये सेंसिटिव है बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। अगर आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ जाए तो हमें और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ती हैं। वन ऑफ देम इसके उसके हम रेडियोलॉजिकल फीचर्स यानी एक्सरे वगैरह कराते हैं। एक्सरे के ऊपर हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑस्टियोफाइट्स जो हैं वो नज़र नहीं आते, ठीक है, लेकिन जाहिर है जो हमने बात की है कि जॉइंट डीफॉर्मिटी नज़र आती है। और तीसरी चीज़ आपने याद रखना है कि पेरी आर्टिक्यूलर कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। पेरी आर्टिक्यूलर हमें सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग नज़र आती है, पेरी आर्टिक्यूलर हम देखें तो हमें इरोजन्स मिलती हैं और पेरी आर्टिक्यूलर ऑस्टियोपोरोसिस मिलती है, ठीक है। सो पेरी आर्टिक्यूलर स्वेलिंग, पेरी आर्टिक्यूलर इरोजन, पेरी आर्टिक्यूलर ऑस्टियोपोरोसिस, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस एंड जॉइंट डिफॉर्मिटीज आपको मिलती हैं, ठीक है। अब लास्ट थिंग आ जाती है कि आपने इसको मैनेज करना होता है। हमारी मैनेजमेंट का मेन एम तो यही होता है कि हम पेशेंट को दर्द से बचाएं, हम इसके सिम्टम्स को रिलीफ करें, हम डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करें, हम उस जॉइंट को रिकंस्ट्रक्ट करें और पेशेंट को रिहेबिलिटेट करें। दोबारा दो तरह से मैनेजमेंट होती है, नंबर वन मेडिकल मैनेजमेंट और नंबर टू सर्जिकल, ठीक है, और साथ जाहिर है कंजर्वेटिव भी। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फॉर द पेन रिलीफ हम पेशेंट को एनसेड्स दे रहे होते हैं एट फर्स्ट हैंड, और एट सेकंड जो है वो मीथोट्रेक्सेट आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट लेते हैं। नंबर थ्री पेशेंट जो है वो डिमार्ड्स भी ले रहे होते हैं, और डिमार्ड्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो जो सल्फासेलाजीन है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए वो भी ले रहे होते हैं, पेंसिलामीन भी ले रहे होते हैं, और इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स भी पेशेंट ले रहे होते हैं। ये जो इम्यूनो सप्रेसिव हैं जैसे मीथोट्रेक्सेट है, स्टेरॉइड्स हैं, ये डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोकने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है अगर इस मेडिकल मैनेजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और सर्जरीज में डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो नंबर वन साइनोवेक्टमी होती है, वो जो साइनो ओवियल फ्लूइड जिसमें बहुत सारे एंजाइम रिलीज हो रहे हैं हम वो रिमूव कर देते हैं, नहीं तो जॉइंट की फ्यूजन आर्थोडेसिस जो है ये ऑप्शन है हमारे पास, नहीं तो बेटे पर हमें जॉइंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट के साथ हम एक्सीजन या टेंडन रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। सो टेंडन रिकंस्ट्रक्शन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, आर्थोडेसिस है और साइनोवेक्टमी है, ये डिफरेंट ऑप्शन हैं जो कि की जा सकती हैं। इसी के साथ एक और डिजीज़ है उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको कहते हैं अनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बेसिकली ये एक स्पॉन्डाइलो आर्थोपैथी है, ये क्रॉनिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, और ये सैक्रोइलिक जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहा होता है ड्यू टू एजिंग, मोस्टली सैक्रोइलिक जॉइंट की डीजेनरेशन शुरू हो जाती है। बाकी डिजीजेस के मुताबिक इसके आउटकम्स आर स्टिल बेटर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रोटेटर कफ इंजरीज और बाकी जो एक दो चीज़ें हैं कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई कंसर्न या कोई क्वेश्चन तो वो आप लोगों से पूछने। थैंक यू।